क्योंकि डाउ की रिवर जो है वो यहीं से स्टार्ट होता है। वो गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो स्वागत है आपका डे टू में। दोस्तों मैं हूँ शुभम और आप देख रहे हैं राइड शुभम। तो आज हम निकलने वाले हैं, अभी बज रहे हैं 6 बज रहे हैं सुबह के, मैंने सारे लोगों को उठा दिया है। और अभी यहाँ पर भैया रणबीर भी आया है। भाई गुड मॉर्निंग भाई, अभी बताओ क्या बता रहे थे। गुड मॉर्निंग भाई, हाँ गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। और रात को भाई कैसी नींद आई बताओ भाई? बहुत ही तगड़ा नींद आई मुझे। हाँ भाई, रात को वो ठंडी लग रही थी और बहुत ही अच्छा नींद आया हम सभी को। तगड़ी तो अभी पैकिंग हो गया है, अभी रिकी भैया आएंगे तो हम रिकी भैया के साथ जाने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं ये मेरा भाई सौरभ बताएगा आप लोगों को, इसको पता है सारी चीजें। भाई बता। हाय गाइस, तो पहले तो हम निकलेंगे लॉज से, फिर जाएंगे ब्रेकफास्ट करने, खाना वाना खाएंगे, फिर हम जाएंगे लेटलम कैनियन पे। उधर से बहुत ही अच्छा नजारा है। गाड़ी पार्क करने के बाद 1 घंटे का ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग खत्म करने के बाद हम पहुंचेंगे उसके पीक पे। वो बहुत बहुत ही खूबसूरत नजर है वहाँ से। तो उसे कंप्लीट करने के बाद हम जाएंगे डाउकी पे। डाउकी पे जाके हम बोटिंग करेंगे, फिर उस उधर कैंपिंग ही करने का प्लान है और आज रात वहीं रुकने का प्लान है। तो देखते क्या होगा। डाउकी पे जितने भी वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं उनमें भी हम हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे। और देखिए मेरे पीछे कितना खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। और मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज लाता रहूँगा दोस्तों। और मैं अभी यहाँ से आखिरी बार के लिए शूट कर रहा हूँ। तो हम जिस होटल पर ठहरे वो ये है ब्लेसिंग्स लॉज, तो आप यहाँ पर रह सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो अभी निकलते हैं। हम जा रहे हैं लेट रूम की तरफ। ये है रणबीर और हमारा नया ब्लॉगर भैया सौरभ देख लीजिए, और हमारा रिकी भैया। हेलो, अभी हम सफर कर रहे हैं, नया सफर शुरू हो गया है हमारा। हम 7 बजे निकल गए थे होटल से, आपने देखा। तो अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे नज़ारे हमको देखने को मिल रही है। वादियाँ बहुत ही अच्छी है यहाँ पर, और धीरे धीरे हमको क्लाउड जो है वो दिख रही है, हमारे पास में आती जा रही है वो। तो देखिए
लड़का देखिए किधर जा रहा है, इधर रास्ता नहीं है उधर है, लेकिन इसको इधर ही जाना मांगता है। तो जा रहे हैं हम पागलपंती करने के लिए, अभी उल्टो पागलपंती। और ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, मतलब दिल खुश हो गया यहाँ पर आके। यार आप जरूर यहाँ पर विजिट करो, मैं बता रहा हूँ आप जरूर विजिट करो यहाँ पर। ओ भाई अभी अभी देखो हम ऐसे हाथ लगा सकते हैं, यहाँ पर जो क्लाउड्स है ना उनको हम ऐसे हाथ से पकड़ सकते हैं। देखो यार कैसे जा रहा है, देखो कितना मजा आ रहा है यार। ओ भाई साहब ये तो अलग ही है भाई, यहाँ पर आके लग रहा है ना मतलब ऐसे हेवन के अंदर आ गए हम, मतलब चारों तरफ कुछ भी दिख नहीं रहा है, देख सकते हो आप लोग कुछ भी दिख नहीं रहा है चारों तरफ, और कितना मजा आ रहा है। तो अभी डाउकी भी जाके कितना और कितना मजा आएगा आप सोच सकते हो, क्योंकि डाउकी रिवर जो है वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो सारे लोगों को लेतलाम से गुड मॉर्निंग और 15 अगस्त की शुभकामनाएं, सारे मेरे यूट्यूबर के फैमिली लोग जितने भी हैं मेरे 500 के करीब है, सारे लोगों को मेरी तरफ से 15 अगस्त की शुभकामनाएं, और जो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं है उनको भी 15 अगस्त की शुभकामनाएं। भाई लोग सारे लोग बहुत मजा करो आज का दिन, बहुत घूमो फिरो, और देखो मैं कहाँ पर आया हूँ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और सारे लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, फोटोशूट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी चलो यार नीचे की तरफ जाते हैं ना, देखते हैं ना सामने क्या है, अभी हम हेवन में ही तो हैं। और यहाँ पर ऐसे ऐसे पत्थर हैं तो यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है, लेकिन आप जहाँ तक देख सकते हो ना वहीं तक जाओ। और देखो नीचे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मैं और नहीं जाऊँगा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा नीचे, नीचे पूरा खाई है। और आप आवाज़ सुन सकते हो, नीचे कोई वाटरफॉल है जैसा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, नीचे वाटरफॉल का साउंड जैसा कुछ आ रहा है। हाँ वाटरफॉल ही है जो मैं बता रहा था ना आप लोग, मैं जो बता रहा था आप लोगों को कि डाउकी रिवर यहीं से ही शुरू होता है, तो यही है पॉइंट मैं बता रहा हूँ, वो जो नीचे झरना है दिख नहीं रहा है कोहरे के लिए, कोहरे की वजह से, तो वही है डाउकी रिवर। तो साउंड आ रहा है यहाँ से दोस्तों। और अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हमने, सारे लोग पंजाब ऐसे ही है। रिएक्शन बताओ, रिएक्शन कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और कुछ बताना चाहते हो? मतलब शब्दों से बयान नहीं कर सकते, और कुछ खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है भाई, मैं तो भाई भी लगता है ना, नहीं डर नहीं लगता ना, एक्सप्रेस करो कितना मजा आ रहा है यार। यार पैसा वसूल, यार पैसा वसूल है ना, पैसा वसूल, सागर बताओ भाई, थोड़ा ज्यादा होगा अगर तुम गिर जाते। अभी धीरे धीरे जा रहा है ना फॉग, अभी धीरे धीरे फॉग जा रहा है। दोस्तों मैंने यहाँ पर आके सुना है कि यहाँ पर लोग ट्रैकिंग भी करते हैं, तो आपको भी अगर ट्रैकिंग का शौक है, मज़ा आता है आपको ट्रैकिंग करने में, तो आप यहाँ पर ज़रूर आके ट्रैकिंग कर सकते हैं, क्योंकि मतलब आपको यह पैसा वसूल लगेगा पूरा यहाँ पर आके, इतना शांति मिल रही है ना आप क्या बताओ। और ये देखिए ऐसे ऐसे खेती की जाती है यहाँ पर, मतलब हमारे यहाँ पर तो झूम चास पे धान उगाया जाता है, लेकिन उन वहाँ यहाँ पर जो मतलब झूम चास की तरह होता है पहाड़ों में लगाते हैं, वो सिर्फ सब्जी लगाते हैं वो लोग, तो वो भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और मतलब ये अभी मैं जा रहा हूँ व्यू पॉइंट की तरफ, और फिर डाउकी के लिए भी निकलना पड़ेगा, वीडियो पे जुड़े रहे मेरे साथ, बहुत मज़ा आने वाला है सामने। और ये हमारे बंदे लोग आ रहे हैं पीछे 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 पीछे,
अभी तो उतना ज्यादा लोग भी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ 10-12 लोग होंगे। और यहाँ पर नो प्लास्टिक जोन है, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत लोग यहाँ पर प्लास्टिक फेंकते हैं। मैं आपसे, मेरे जो दर्शक है उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जब भी यहाँ पर आए थोड़ा सा भी गंदगी ना करें भाई, नेचर को नेचर की तरह ही रहने दें, उसमें ही सबसे अच्छा है। ये देखिए प्लास्टिक, ये देखिए, और ये देखिए कितने सारे कप्स है, चाय के कप्स। अरे भाई यहाँ पर डस्टबिन दिखी, यहाँ पर है, वहाँ पर है, फेंको ना डस्टबिन पे, क्यों फेंक रहे हैं यहाँ पर। और ये नज़ारा देखो, अल्टीमेट नज़ारा है भाई, अल्टीमेट है। और बंदे लोग यहाँ पर पागल हो चुके हैं, ये वाले बंदे फोटो खींच रहे हैं, रील्स ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मतलब जो जो कुछ भी कर पा रहे हैं ना। जितने सारे मोबाइल्स है देखिए, सारे मोबाइल्स आउट है, कोई मोबाइल पॉकेट में नहीं है, सारे मजा कर रहे हैं, सारे मोबाइल्स आउट है। और ये ब्लॉगिंग भी कर रहा है शायद, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये अपनी मम्मी के साथ बात कर रहा था। और मैंने भी थोड़ी देर पहले मम्मी को वीडियो कॉल करके दिखा दिया कि कैसा लग रहा है, तो मम्मी भी बहुत खुश हो गई देख के। और किसी को नहीं दिखाया? नहीं भाई, और कोई नहीं था। अभी पापा गए हैं 15 अगस्त सेलिब्रेट करने के लिए, जो हमारे लोकल क्लब्स है ना वहाँ पर गए हैं, तो पापा भी घर पे नहीं है, लेकिन वीडियोस तो सारे देखते हैं, तो पता चल गया उनको। और फिर से कोहरा आ रहा है, अभी सूरज तो ऊपर है, आपको दिखाई दे रहा है कि पता नहीं, लेकिन इतना ज्यादा कोहरा होने के कारण मतलब पूरा यहाँ पर मौसम देख सकते हैं। आज मैं आसमान की बहुत ऊंचाइयों में, तो बताओ 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 भाई, आज मैं आसमान की बहुत ऊंचाइयों में, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। 100-200 ज्यादा ले ले भाई, बट 100-200 ज्यादा ले ले भाई, लेकिन लैंड करा दे। दोस्तों आज 15 अगस्त है, हम लोग घूमने आए जरूर, पर हम लोगों ने भूला नहीं कि आज क्या दिन है। आज हमारा वो दिन है जिस दिन 1947 में हम लोग आज़ाद हुए थे, तो आज बहुत ही मेमोरेबल डे है, और हम लोग 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब लोग मिलके, पूरा देशवासी मिलके अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम लोग, हर घर तिरंगा मना रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। और अभी देखिए धीरे धीरे बादल हट रहे हैं, तो हमको दिख रहा है इस जगह की असली खूबसूरती। और ट्रैकिंग जो होती है ना, वो रास्ता इधर से जाता है, आपको शायद दिखाई दे रहा है, तो ट्रैकिंग का रास्ता यहाँ से जाता है, आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, लेकिन हम जाने वाले हैं अभी डाउ की, तो अभी ट्रैकिंग कैंसिल है, लेकिन कभी और आएंगे दोस्तों के साथ, और ज़रूर ये ट्रैकिंग पूरा करेंगे दोस्तों। वर्थ इट है, ये वर्थ इट है।